अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुहेब। एक दफा फिर कराची कैमरा सेंटर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर। और आज का जो ये सेशन है ये अनबॉक्सिंग या किसी चीज की रिव्यू के हवाले से नहीं है। आज का जो सेशन है ये मैं आपके लिए लाया हूं, जो लोग यूज में डीएसएलआर परचेस कर रहे होते हैं, लेंसेज परचेस कर रहे होते हैं, थोड़ी सी जो नॉलेज मेरे पास है वो आप दोस्तों से यहाँ पे शेयर करता चलूँगा। जो दोस्त हजरात कैनन नाइकॉन कोई भी कैमरा परचेज कर रहे हो, सबसे पहले तो वो ये देखें कि जिस बंदे से वो परचेज कर रहे हैं, जिस शॉप से वो परचेज कर रहे हैं, उसकी गुडविल कैसी है, उसकी मार्केट रेपो कैसी है। और उसके बाद ये आइटम्स जरूर चेक कर लें। सबसे पहले होती है बॉडी की कंडीशन। बॉडी की कंडीशन शटर काउंट से भी ज़्यादा अहमियत इसलिए रखती है कि जब आप उस कैमरे को, उस लेंस को सेल कर रहे होते हैं तो उसमें आपको काफ़ी रिडक्शन पड़ जाती है, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, कंडीशन की वजह से। तो एक चीज़ आपको मिल रही है 50,000 रुपये की। जैसे मैं यहाँ पे आपको मिसाल दूँ, नाइकॉन D5300 10x10 कंडीशन में मिलता है 50,000 का। वही जो कैमरा है वो आपको रफ कंडीशन में मिलेगा अराउंड 42, मीडियम कंडीशन में मिलेगा आपको 45। तो अब ये जो कंडीशन मैंने आपको तीन चीज़ें बताई ना, तो जो 50 वाला है वो तो आपको बिल्कुल एज गुड एज न्यू कंडीशन में मिलेगा, लेकिन जो कम उसमें आ जाती हैं 40, 42, 45 वाले, उनकी कंडीशन थोड़ी सी रफ होगी। तो जब आप उसको सेल करेंगे, चलाने के बाद, आपने भी चलाना है, इस्तेमाल करना है, साल 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना अर्से चलाए, लेकिन वो जब आप उसको लेंगे ही रफ हालत में बेचने के लिए जब आप जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा उसकी कंडीशन रफ हो जाएगी। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि कोई भी चीज़ परचेज किया करें, हम भी कोई चीज़ कस्टमर से परचेज करते हैं, साफ से साफ कंडीशन में कैमरे को परचेज करें। हमारी ये कोशिश होती है, इसलिए हमारे पास क्वान्टिटी नहीं क्वालिटी अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले आ गई आपके कैमरे की कंडीशन, और फिर आते हैं आप ये चेक करें कि कहीं से कैमरा रिपेयर तो नहीं है, कहीं पे कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। और जो कैमरे का इनर मिरर होता है उसको चेक करें, और जो आउटर व्यू फाइंडर होता है उसको चेक करें, कोई स्पॉट वगैरह तो नहीं है, सेंसर को चेक करें। ये चीज़ें मस्ट होती हैं कैमरे की परचेजिंग के टाइम। और सबसे लास्ट में आता है शटर काउंट। शटर काउंट, जैसा कि अब कुछ दोस्त हजरात शटर काउंट को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। शटर काउंट आप जब भी लें, आप ये माइंड में रख के लें कि शटर काउंट से आपके कैमरे की रीसेल वैल्यू कम हो रही है, ना कि कैमरे की जो अपनी वो है कोई ख़राबी आने का चांस है वो बढ़ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शटर काउंट सिर्फ और सिर्फ कैमरे की रीसेल वैल्यू पे फर्क डालता है, क्योंकि कंपनी की तरफ से एक मिनिमम लाइफ दी हुई होती है 1,00,000 पिक्चर्स की। अगर आप कोई कैमरा अच्छी कंडीशन में 50,000 शटर काउंट में भी परचेस कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन जो उसकी बॉडी कंडीशन है, इंटरनल कंडीशन है, वो काफ़ी मायने रखती है। आउटर कंडीशन अच्छी है, शटर काउंट 50,000 भी है तो कोई मायने नहीं रखता, वो इसलिए कि आपका बाद में आराम से कैमरा सेल हो जाएगा। तो दोस्तों, एक छोटा सा ये इंफॉर्मेटिव सा सेशन था, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आया होगा। हमारे कराची कैमरा सेंटर के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी किसी भी अपडेट को मिस ना कर सकें। मोहम्मद सुहेब को कराची कैमरा सेंटर से इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिएगा, जल्द से जल्द मैं कोई ना कोई नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फी इमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज। रुक जा जी, एक गलती करती है। क्या? पीछे देखें, माइक की तार ही नहीं लगी।